लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जिसने सभी तरह के समीकरण को तोड़ दिया है। इस बार की लड़ाई में इंडिया गठबंधन ने एनडीए को कांटे की टक्कर दी है, और बात जब यूपी की आती है तो दो लड़कों की जोड़ी ने इस बार कमाल कर दिया है। यूपी की मैनपुरी सीट की बात करें तो इस बार तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। भले ही ये सीट सपा का गढ़ रही हो, पर इस बार इस सीट से योगी सरकार के मंत्री के उतरने से मुकाबला कांटे का हो गया था, और डिंपल की साख दांव पर मानी जा रही थी, पर उस पर डिंपल यादव पूरी तरह से खरी उतरी, और डिंपल यादव ने बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह को भारी मतों से हराकर ये साबित कर दिया कि ये सीट सपा का गढ़ थी, सपा का गढ़ है और सपा का गढ़ रहेगी। जी हाँ, डिंपल यादव ने इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह को करीब 1,00,000 के अंतर से हरा दिया है, और मैनपुरी सीट पर सपा का दबदब कायम है दिखा दिया। मैनपुरी सीट पर डिंपल यादव को 3,30,000 से ज्यादा वोट मिले हैं, वहीं बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह को करीब 2,40,000 के करीब। देखा जाए तो डिंपल यादव ने बीजेपी के जयवीर सिंह को करीब 1,00,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। वहीं मैनपुरी सीट पर बसपा तीसरे स्थान पर रही, जिसको महज 38,000 के करीब वोट मिले हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।